यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित देशभर के 64 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की। इस बीच दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया। यहां परसों 23 सितम्बर को वोट डाले जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को अब पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी होगा। और भिलाई इस्पात संयंत्र ने अब भारतीय नौसेना में उपयोग के लिए उच्च शक्ति वाले युद्धपोत ग्रेड प्लेटों का उत्पादन शुरू किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा सहित देशभर के 64 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चित्रकूट उपचुनाव के लिए 23 सितम्बर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 30 सितम्बर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 1 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 21 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा 24 अक्टूबर को की जाएगी। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित चित्रकूट विधानसभा सीट दीपक बैज द्वारा विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद से रिक्त है। श्री बैज ने बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज दोपहर 3 बजे प्रचार थम गया। इसके बाद से प्रत्याशी और उनके समर्थक अब घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। दंतेवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में परसों 23 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य पार्टियों के कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए 273 केन्द्र बनाए गए हैं। यहां 188,263 मतदाता हैं, जिनमें से 89,747 पुरुष और 98,876 महिला मतदाता शामिल हैं। उपचुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के दौरान एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने होटल किराए सहित अन्य कई उत्पादों पर भी दरों में कटौती की है। पॉलिश किए गए अर्ध मूल्यवान रत्नों पर भी कर दरें कम की गई हैं। परिषद ने कुछ अन्य मदों पर कर दरें बढ़ाने की भी सिफारिश की है। वस्तु और सेवा कर के तहत करदाताओं के पंजीकरण को आधार से जोड़ने का भी फैसला किया गया है। जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक कल गोवा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। उन्होंने बैठक में प्रदेश की मांगों को काउंसिल के सामने रखा। श्री सिंहदेव ने जीएसटी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ को हो रहे राजस्व के नुकसान के संबंध में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से छत्तीसगढ़ को बहुत अधिक राजस्व की हानि हो रही है। इसमें क्षतिपूर्ति केवल वर्ष 2022 तक ही देने का प्रावधान है। इसके बाद ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिससे राजस्व नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने राज्य हित में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली क्षति पूर्ति राशि को 2022 के बाद भी जारी रखने की मांग की। श्री सिंहदेव ने बैठक में छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए जीएसटी की प्रक्रिया को सरलीकरण का भी सुझाव दिया। प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी अब स्कूल के बाहर भी अपनी किताबों का रोचक तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। मल्टीमीडिया ऐप के जरिए अब ये विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों को न केवल देख सकेंगे बल्कि सुन भी सकेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान तथा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह मल्टीमीडिया ऐप संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस ऐप को विषय विशेषज्ञों ने अनुसंधान के बाद तैयार किया है। इसमें पाठ का परीक्षण करने के बाद उस वीडियो लेखन को मोबाइल ऐप में बदलकर अपलोड किया गया है। इस ऐप की सुविधा का लाभ उठाने के लिए छात्र अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर CGMMTB डाउनलोड कर पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को अब पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इसके तहत उन्हें 1 अक्टूबर तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। हितग्राहियों को जिला आधार नामांकन केंद्रों में आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हितग्राही किसी भी आधार नामांकन केन्द्र में आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हितग्राहियों को आधार नंबर मिलने तक अन्य वैकल्पिक दस्तावेज उपलब्ध कराने पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह 9:05 पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अब भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए उच्च शक्ति वाले युद्धपोत ग्रेड प्लेटों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। हालांकि भिलाई इस्पात संयंत्र कई दशकों से शिप बिल्डिंग ग्रेड प्लेटों का उत्पादन पहले से करता रहा है। इनमें यूरोपियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को निर्यात की गई प्लेटों भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस तरह के विशिष्ट प्लेटों का आयात पहले रूस से किया जाता था। प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने आकलन केंद्र का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर आकलन के मानकों का निर्धारण करते हुए रूपरेखा तैयार करना, क्रियान्वयन करना और आंकड़ों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार शिक्षकों को जागरूक तथा कक्षागत शिक्षण में मदद करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए समन्वयक और सदस्य नियुक्त किए गए हैं। टास्क फोर्स कैलेंडर प्रबंधन, आंकलन प्रश्न बैंक का निर्माण, डेटा विश्लेषण रिपोर्टिंग, शिक्षक प्रशिक्षण, अभ्यास अनुसंधान, संचार और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 16 से 30 सितंबर तक आयोजित इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर मंडल के स्टेशनों और ट्रेनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज रायपुर मंडल की ट्रेनों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही रायपुर स्टेशन परिसर में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान पार्किंग परिसर की भी साफ सफाई की गई। स्वच्छता पखवाड़े के तहत कल 22 सितम्बर को स्वच्छ रेलगाड़ी, 23 को स्वच्छ परिसर, 24 और 25 को स्वच्छ आहार, 26 और 27 को स्वच्छ नीर, 28 को स्वच्छ प्रसाधन तथा 30 सितंबर को स्वच्छ प्रतियोगिता थीम पर कार्य किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची और उनके दस्तावेज परीक्षण की समय सारिणी जारी कर दी है। उम्मीदवार बिहान की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण कर शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार वरीयता सूची तैयार कर पात्र उम्मीदवारों को 4 से 24 अक्टूबर तक दस्तावेज परीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में निर्माणाधीन स्काई वॉक की उपयोगिता और अन्य वैकल्पिक उपयोग के संबंध में गठित सामान्य सुझाव समिति के सदस्यों ने आज स्थल का निरीक्षण किया। सदस्यों ने डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल से शास्त्री चौक तक स्काई वॉक का अवलोकन किया। इस दौरान इंजीनियरों ने सदस्यों को स्काई वॉक के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी। निरीक्षण के बाद विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्काई वॉक की उपयोगिता और वैकल्पिक उपयोग के संबंध में विचार विमर्श किया गया। विशेषज्ञों ने स्काई वॉक की उपयोगिता पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों और सदस्यों ने स्काई वॉक के संभावित विकल्पों पर भी अपने सुझाव दिए। अधिकारियों ने बताया कि स्काई वॉक की लागत 75 करोड़ रुपए है। अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में कालजयी कवि श्रीकांत वर्मा के साहित्यिक अवदान पर आज 2 दिवसीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसमें देशभर के जाने माने साहित्यकार और पत्रकार शामिल हो रहे हैं। दशहरा और दीपावली त्यौहार पर ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने हटिया और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच 2 अक्टूबर से 5 फेरों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। और रायपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन आम जनता के लिए कल 22 सितम्बर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव सहित देशभर के 64 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा की। इस बीच दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया। यहां परसों 23 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को अब पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी होगा। और भिलाई इस्पात संयंत्र में अब भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए उच्च शक्ति वाले युद्धपोत ग्रेड प्लेटों का उत्पादन शुरू किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
Thank you.